हिमाचल कार्यकारिणी समिति द्वारा 2017 के चुनाव के लिए बल्क क्षेत्र में राजेंद्र पाल काश्यप को प्रत्याशी चुना गया है। ये बात पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष जे सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक साम्राज्यवाद को भी बढ़ावा दिया है। हिमाचल प्रदेश कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष जे सिंह ने बताया कि 2017 के चुनावों के लिए जोगिंदर पाल काश्यप को प्रत्याशी चुना गया है, जो वल्क क्षेत्र से नामांकित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक साम्राज्यवाद है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में कोई भी विकास के कार्य नहीं करवाए हैं, जिसका प्रभाव आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, साथ ही युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य 2017 के हिमाचल विधानसभा चुनावों के लिए अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित करना, जिसमें कि हमने पहले प्रत्याशी के रूप में राजेंद्र पाल काश्यप जी को बल्क क्षेत्र से नामांकित किया है। आज की तारीख में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक साम्राज्यवाद। आज हम बात करते हैं कि देश में जो अधिकांश वर्ग है वो युवा वर्ग है, परंतु युवाओं को सही तरीके से रोजगार नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश में सरकारों ने अभी तक रोजगार को बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया है। हिमाचल में लोगों को रोजगार के लिए हिमाचल से बाहर जाना पड़ता है, बेरोजगारी और आर्थिक साम्राज्यवाद की। दूसरा जो हमारा मुद्दा होगा वो होगा परिवारवाद को खत्म करना और भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त। वहीं नव नियुक्त प्रत्याशी राजेंद्र पाल काश्यप ने कहा कि वो लोगों को जातिवाद, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि हिमाचल कार्यकारिणी समिति में मैं अपना पूरा सहयोग दूंगा। मैं जो लोगों से अपील करता हूं कि ये जो देश में परिवारवाद और बेरोजगारी और ये जो जातिवाद फैला हुआ है, इससे जो है हम मुक्ति दिलाएंगे और इसके लिए हमसे जो है पूरे जोर से जो समर्थन दें और हमारी पार्टी को जो है कामयाब बनाएंगे। लोगों से मेरा ये अनुरोध रहेगा और इसके साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने चेयरमैन साहब का। और जो भी एक्सपेक्टेशन लोगों की होगी, प्राथमिकताएं होगी, जैसे बेरोजगारी की है ना, उसको दूर करेंगे। मेरी जनता से अपील रहेगी कि इस पार्टी को जो है उस अपना जन सहयोग समर्थन देकर कामयाब बनाएं।